कुकर पर रखना है या नहीं रखना, वो ऑयल जितना होगा वो कक कर लेगा कि फिश होगा जो फिश में बाकी रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो घर में वापस आ चुके हैं। ड्रेस भी हमने चेंज कर लिया कोरोना की वजह से, आगे शावर किया। तो जो सामान चाहिए हमको फ्राइड फिश करने के लिए तो सारा रेडी पड़ा है। वेजिटेबल भी है, बीन्स और सॉसेज भी है। तो ये हमने वेजिटेबल ली है, तो ये हमने निकाल के इसमें रख लिया, लेकिन ये यूज़ कर सकते हैं मिक्स वेजिटेबल। और ये हमें कुछ वॉश करके मिक्स वेजिटेबल इसको हम फ्राई करा देंगे। तो ये हमने फिश फिंगर्स लिए और ये कुछ फिश कॉर्ड फिलेट्स लिए हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल आप कर लें अच्छी तरह से गरम, बहरहाल गरम है तो हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसको आप स्ट्रेट में फ्राई करना है आपने बस। उसके साथ ही हमने छोटी पतीली ले ली है, तो इसमें हम अपना जो वेजिटेबल है वो भी बॉयल कर देंगे। मैंने डाल दिया। टोटल जो इसका प्रोसेस है तकरीबन सारे का 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। तो हैंडी भी बहुत है, तो अच्छी भी बहुत बनती है ऐसे। वेजिटेबल बॉयल करने के लिए हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे एक काली मिर्च का, जायके के लिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर पानी निकाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे ऑयल में। ये हमारी फिश भी फ्राई हो रही है और हमारी वेजिटेबल भी बॉयल हो रही है। तो ये हमने बीन्स रखे हुए हैं, आप भी ये ले सकते हैं बीन्स। वो इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है इसका, फ्राइड फिश का। और ये हमने कुछ मेयोनीज रखी है, टैको चिली रखी हुई है, केचप है, सर्व करेंगे इसके साथ हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें बॉयल, हमारी जो वेजिटेबल बॉयल हो चुकी है, तो अब हम इसका जो पानी निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने निकाल लिया वेजिटेबल से, ड्राई हमारा जो पॉट है तो वापस डाल देंगे इसको। तो करेंगे इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। बिल्कुल तकरीबन 1-2 टेबल स्पून हमने लिए, तो इसके साथ हम थोड़ी सी जायके के लिए ब्लैक पेपर वो डाल देंगे। और इसके साथ थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ऑयल डालने से, और इसका टेस्ट भी काली मिर्च और नमक की वजह से चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आपने थोड़ा सा तीखा करना है इसको तो आप इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं।
बता थी जो हमारी फिश भी तकरीबन 90% रेडी है और इसको एक से दो मिनट और लगेंगे बस। वाइटल हमारी होगी रेडी, इसको निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए, चूल्हा कर दे बंद। चूल्हा कर दे बंद स्ट्रेट वे और ये फिश भी देखिए ऊपर आ चुकी है। नीचे आपकी मर्जी, आपने टिश्यू पेपर रखना है या नहीं रखना, वो ऑयल जितना होगा वो सक कर लेगा, तो टिश्यू होगा जो फिश में बच जाता है। जब हमारी होगी थी रेडी तो आप इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये देख लें हमारी आज की प्लेट रेडी है, बस ये सॉस हमारी मेयोनीज टैको केचप के साथ, तो इसको आप सर्व करेंगे तो लेंगे इसका क्रेडिट, क्या क्रेडिट मिलता है हमको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ जी अबू जी, फिश का मज़ा ही आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके साथ ही अगर हमारी आज की वीडियो का स्टाइल और हमारी जो रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को भी दबा दें साथ में, और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। मुदस्सर को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।